नमस्कार। आज हम बनाएंगे बूंदी का रायता। जैसा कि आप जानते हैं, खाने में रायते का एक अलग ही स्वाद होता है। रायता वैसे तो कई तरीके से बनाया जाता है, जैसे बूंदी का रायता हो गया, खीरे का रायता, गाजर का रायता, बथुए का रायता, फ्रूट्स का रायता, मखाने का रायता। कई तरीके से रायते बनाए जाते हैं और सबका अलग ही अपना एक अलग ही स्वाद है। तो आज मैं बूंदी का रायता बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये बूंदी चाहिए। देखिए, जो ये बूंदी है मैंने ये घर पर ही बनाई है। अगर आपको ये बनानी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इनकी रेसिपी दे रखी है। तो ये बूंदी है, मैंने एक कटोरी ले रखी है ये, और एक से डेढ़ कटोरी गाढ़ा दही है। ये देखिए, काला नमक चाहिए और नॉर्मल नमक चाहिए, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया गार्निश के लिए, और तड़के के लिए मेथी, और ये कुछ दाने मैंने राई के लिए हैं, और हींग। हींग तो रायते में एक अलग ही स्वाद बढ़ाती है, तो हींग का तड़का तो बहुत ही टेस्टी बना देता है रायते को और भी। तो अब बनाना शुरू करते हैं बूंदी का रायता। तो सबसे पहले मैं ये बूंदी जो है इनको थोड़ा सा नरम करती हूँ। तो पहले गैस ऑन करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। पानी हमको ये जितना पतला रायता रखना है, और ये बूंदी के लिए बस ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही इसमें डाल देंगे। बिल्कुल हल्का वार्म वाटर चाहिए, जिससे ये हमारी बूंदी फूल जाए। इसमें एकदम हल्का पानी गर्म करेंगे और 2 मिनट के लिए इनको छोड़ देंगे। गैस बंद कर दिया, 2 मिनट के लिए इनको सोक होने देती हूँ इसी में। 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने इनको हल्के वार्म वाटर में भिगो के रखा था, तो ये जल्दी से एकदम नरम हो गई हैं। और अब मैं इनको ये जो मैंने दही है ये फैट रखा है मैंने, इसको मथनी से मथ लिया था, और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं आप चाहिए तो, नहीं तो ये हमारी जो बूंदी है ये इसमें हम छोड़ देंगे इनको। बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है ये, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखिए, मिक्स करेंगे इसमें। अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो इतना, नहीं तो अगर पानी पतला रखना है तो वो आपकी इच्छा के अनुसार है। अगर आप पतला रखना है तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और अब आती है बारी इसमें ये थोड़ा नमक वगैरह डालने के लिए। तो हम इसमें थोड़ा सा आधा स्वाद के अनुसार काला नमक डालेंगे और थोड़ा नॉर्मल, बहुत ही हल्की सी लाल मिर्ची पाउडर डाल के मिक्स करना है। थोड़ा सा धनिया पत्ता छोड़ूंगी। और अब लगाएंगे इसमें हम मेथी और राई का तड़का। तो तड़के के लिए हम कोई भी ऐसा पैन ले सकते हैं, नहीं तो ये मैंने एक चमचा लिया है, इससे भी लगा सकते हैं। तो ये चमचा हम पहले गैस पर गर्म करेंगे इसको, और हल्की थोड़ी एक दो मिनट के लिए इसे तेज गर्म होने देंगे। बहुत ही कम तेल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए इसमें, ओनली आधा छोटा चम्मच। इसको गर्म करेंगे, जब ये तेल एकदम धुआं उठने लगता है इसमें तो हम अपना ये थोड़ी मेथी और राई इसमें
छोड़ देंगे। गैस तेज करेंगे। ये चटपट होने लग गई है इसमें, और हम अब इसमें थोड़ी सी हींग, एक पिंच हींग डालेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और थोड़ा सा हम लाल मिर्ची पाउडर तड़के में भी डालेंगे। देखिए गैस को करेंगे बंद और ये एकदम धीरे से इसमें छोड़ कर इसको ढक देना है, जो हमारे जो तड़के की खुशबू है एकदम इसमें रायते में रख जाएगी। इसको 2 से 3 मिनट बाद हम खोल कर देखेंगे। ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और एकदम ये देखिए आप, हमारा बूंदी का रायता बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो देखा कितनी जल्दी ये बूंदी का रायता बन गया। तो अब आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे बताइए।